आइए हम सब लोग कुछ समय उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी हुजूरी में आएं, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी दया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, वो कभी कम नहीं होती। हम जितने भी गुनाह करें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हर वो गुनाहों से छुटकारा दिलाता है। आइए उस परमेश्वर की, उस पवित्र आत्मा की हम स्वागत करें और उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। आइए सब लोग मिलके गाएं। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। Once again, तेरी दया कभी कम ना होगी, परमेश्वर का दया कभी हमारे ऊपर कम नहीं होता, उसका दया हमेशा हमारे ऊपर रहता है, चाहे दिन क्यों ना कैसा भी हो, हमेशा वो हमारे साथ रहता है, उसका दया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी कम ना होगी।
Jesus. Greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन. Indeed, this is a beautiful day that the Lord has made for us to rejoice in Him. और सच में आज का जो दिन है ये परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन में हम आनंदित और मगन हैं. And today the world is going through a pandemic. We all know that, but still we have got the privilege to listen and to meditate on the Word of God every day and every. जैसा कि जानते हैं हम सब लोग कि आज पूरे संसार एक महामारी से होकर गुजर रही है, फिर भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने. And in that type of crisis, it is the time whether you can refocus on your life of what you are losing out of your life. और यही सही समय है कि आपने क्या खोया है उसके ऊपर ध्यान देने का. This is the time to go back to your life and see and sit back and relax and see that the things that you are losing out because you were too busy. और यही वो सही वक्त है कि आप अपने जिंदगी के पिछले पीछे जाकर देखें और आप क्या खोए हैं उसके ऊपर आप नजर दें. My friends, everyone in the Bible had to go through a difficult time. और बाइबल में मेरे मित्रों, बाइबल में जितने भी लोग हैं वो लोग एक कठिन समय होकर गुजरे हैं. Life was never a bed of rose for any one of them. और जैसे कि हम जानते हैं जिंदगी वो गुलाब के बिस्तर के जैसे नहीं होता. But it's full of thorns, it is full of many obstacles. और कांटे से भरा हुआ होता है और बहुत सारे रुकावट से भरा हुआ होता है. Today I want to talk to you about one of the greatest statement that we use today in our Christian society. और मैं एक ऐसे मत को आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे कि हम सारे मसीही उसको इस्तेमाल करते हैं. William Carey, one of the greatest missionary of our era. और हम जानते हैं कि आज के युग में, हमारे युग में विलियम कैरी जो महान सेवक थे. We will all know the story of William Carey, and I don't want to repeat that story because he had a very wonderful testimony. और हम सब जानते हैं और हम सब जान पाएंगे और इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ. He spoke a statement. और उसने एक मत को कहा था, एक कथन को कहा था. And it is used widely today. और इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. He said like this. और उसने ऐसा कहा. Expect great things from God. और परमेश्वर से कुछ महान चीज का आशा रखो. Attempt great things for God. और परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा प्रयास करो. Now he says this statement has two part. और जैसे कि हम जानते हैं इस कथन का दो हिस्सा है. One part is from God. और एक जो हिस्सा है वो परमेश्वर से है. And second part is for God. और जो दूसरा हिस्सा है परमेश्वर के लिए है. Are you listening to me? क्या आप हमें सुन रहे हैं? From God. परमेश्वर से. Is God part to do? और वो जो परमेश्वर से है वो हिस्सा परमेश्वर करेगा. But for God. और जो परमेश्वर के लिए है इज योर ड्यूटी टू डू. और ये आपका काम है आज के आप करो. सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम गॉड दैट यू गेट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड. सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड. और आपको यहाँ से क्या मिलता है? आप परमेश्वर से एक आशा रखते हो और इसके लिए आपको परमेश्वर वो करेगा. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम स्टेटमेंट सेज अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड. और जो दूसरा हिस्सा है इस कथन का, यहाँ पे ऐसा कहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम प्रयास करो. Now in the both the statement, if anything is constant, that is great thing. और अगर हम देखेंगे ये कथन का दो हिस्सा में जो निरंतर रहता है वो है महान चीज. So what William Carey means here is if you are expecting great things from God, start attempting great things for God. और जैसे कि विलियम कैरी ने कहा कि अगर आप कुछ अपेक्षा, कुछ आशा रखते हो परमेश्वर के लिए, तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ प्रयास करना है. Now, what happens in our life is we are always focused on the first part that we are going to get this from God. और क्या होता है, हम उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं जो पहला हिस्सा है जो हम परमेश्वर से क्या पाएंगे. We are only very much content and very much selfish in thinking about what we are going to get from God. और हम हमेशा उस पहले हिस्से में रहते हैं स्वार्थ के साथ, ये सोचते हैं कि हम क्या परमेश्वर से प्राप्त करेंगे. I'm going to get this, I'm going to get that, I'm going to get this.
so many things, so many dreams that what God is going to give you. और हम ये सोचते हैं कि मैं ये पाने जा रहा हूँ, मैं प्राप्त ये करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे हम ऐसे सपने को देखते हैं. But the second part is really important, that you also have to attempt, take risk and do something for God also. और जैसे कि दूसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कुछ प्रयास करो, क्या कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो. Now this is a missionary. और हम देख रहे हैं कि विलियम कैरी एक सेवक थे. विलियम कैरी has spent his life serving God. और विलियम कैरी अपने पूरे जिंदगी परमेश्वर के सेवकाई में गुजारा. And he has some really great achievements. और उनको बहुत कुछ सच में वो बहुत कुछ उनको मिला था. But that great achievement came only when he attempted something for God. और वो जो महान चीज उनके पास तब आया जब वो परमेश्वर के लिए कुछ प्रयास किए. Hallelujah. Hallelujah. So what I want to say to you is start doing something for God today. और जो मैं कहना चाहता हूँ आज के आप परमेश्वर के लिए कुछ करना शुरू करें. Before expecting, start attempting. और अपेक्षा या आशा करने से पहले परमेश्वर के लिए कुछ प्रयास करें. What are you going to do? और आप क्या करने जा रहे हैं? In the book of Ephesians chapter 3 verse 20. और एफिसियों के किताब उसके 3:20 आयत. It says like this. Now to him who by the power that is working within us is able to do beyond all the things that we ask or think. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. My friends, God is a faithful God. और मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर. He gives things to us. और वो हमें चीजें देता है. Every day we see a bright morning and that's a gift from God. और हम हर दिन एक सुनहरा सवेरे को देखते हैं. And that's a gift from God. और वो परमेश्वर का दान. And likewise, there are so many gifts from God that we receive each and every day. और इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे गिफ्ट है जो परमेश्वर से हम हर एक दिन. And according to the book of according to the letter to Ephesians wrote by Paul, he says that according to his power, he is able to give more than even we ask or think. और जैसे कि हम इफिसियों का 3:20 आयत को देखें, संत पौलुस ऐसा कहता है कि हमारे मन के अनुसार परमेश्वर वो चीजें हमें देता है. Now this happened when Jesus was on earth. और ये ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह इस धरती पे था. He was doing a very powerful ministry. और वो सामर्थ्यशाली सेवकाई किया करता था. Something was happening that people never saw in their lives. और कुछ ऐसा हुआ कि लोग उनके जिंदगी में वो नहीं देखे. People were saying dead people rise. और लोग जो मरे हुए लोगों को जीते हुए देखे. People were getting lepers getting healed. और यहाँ पे कोड़ी लोग जो चंगा पा रहे हैं वो देखे लोग. People were seeing demon being cast out. और लोग देखे कि शैतान को कैसे भगाया जा रहा था. People were seeing by two fishes and five bread of loaves. People were getting 5,000 people were getting fed, and this is what was happening, and this was really amazing. और जैसे कि हम देखे 5 रोटी और 2 मछली के दो मछली से परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया वो देखे. People were seeing great things. और लोग बहुत महान चीज को देखे. And this was happening by Jesus. और ये बस परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए हो सका. But Jesus has a team. लेकिन यीशु मसीह के पास एक दल था. And that 12 disciples were also a part of this miracles and this amazing things that was happening. और जो ये जो आश्चर्य कर्म हुआ था उसके उसमें यीशु मसीह के 12 चेले भी मौजूद थे, उनके जरिए भी ये हुआ था. So if I'm not wrong, I can say that they never asked for this, they never saw this, they never imagined this, but they were experiencing something like this. What Ephesians wants to say. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लोग ये अनुभूति नहीं था उनके पास, वो लोग ये नहीं देखे थे, ये लोग ये इसको अनुभव नहीं कहते, लेकिन उनके जिंदगी में ये अनुभव को वो लोग महसूस किए. So exactly what Paul is saying is you will see, you will feel, you will taste things that you have never asked or think for. So they were living that life. और इसी प्रकार पॉलुस भी कह रहा है कि जो चीज आप नहीं देखे थे, जो चीज आप महसूस नहीं किए थे, वो चीज को आप देखोगे. So they were seeing that. और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे. But one day what happens is Jesus is crucified.
और एक दिन ऐसा हुआ यीशु मसीह को क्रूस पे गाड़ा गया। Jesus has again rose up from the dead। और यीशु मसीह फिर से मुर्दों में से उठ गया। But he is not as present as he was before with the disciples। और वो ऐसा नहीं रहा जैसे वो अपने चेलों लोगों के साथ रहता था पहले। So one fine day, what they do is they go for fishing to the sea। और एक ऐसा दिन आया कि एक दिन वो लोग मछली पकड़ने गए थे। And Peter was leading that group। और पतरस उस ग्रुप का अगुवाई कर रहा था। They fished for the whole night। और उन्होंने मछली पकड़ने के लिए पूरे रात को गुजारा। But they caught nothing। लेकिन वो लोग को कुछ भी नहीं मिला। Now before when Jesus was there। और यीशु मसीह जब पहले उनके साथ था। The scenario was different। और वो जो सिनेरी था वो भिन्न था। Anything they wanted to see was happening। और जो चीज को वो देखना चाहते थे वो हो रहा था। And now they're just trying to catch fish, even that is not happening। और जब ये लोग कोशिश कर रहे मछली पकड़ने के लिए लेकिन ये नहीं हो रहा है। Sometimes it is like that we attempt things। और कुछ समय ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं कुछ चीज पर। But there are very less result। लेकिन हमारे जो रिजल्ट होता है बहुत कम ही होता है। And you have done everything you can do। और जो आप कर सकते हो वो आप पूरा करते हो। But nothing is happening। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। Do you feel the same? क्या आप इस चीज को महसूस करते हो? That you are doing everything that you can do। कि आप ये सोच रहे हो कि आप सब कुछ कर सकते हो। But you are not getting the result। लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। These people were not getting the result। लेकिन ये लोग वो फल को नहीं पा रहे हैं। Even if they were professional fishermen, they were not finding any fish the whole night। ये अगर हो सकता है कि ये लोग पूरे मछुआरे हैं, लेकिन ये लोग उस रात को कोई भी मछली नहीं पकड़ पाए। Sometimes it happens। कभी-कभार ये होता है। That you are expert in something। कि आप कुछ चीज के अपेक्षा रखते हो। You are expert, you are the perfect person for that। और आप पूरे निपुण हो उस काम पे। Still you fail। लेकिन फिर भी आप विफल होते हो। What do you do? आप क्या करते हो? What did they do? और ये लोग क्या किए? They were just sitting idly because they were tired। अब मूरत के जैसे वो लोग बैठे थे क्योंकि वो लोग थक गए थे। And sometimes in your life also you keep on attempting great things and you get tired because you don't see the result। और क्या होता है कुछ समय आप भी कुछ चीज के अपेक्षा में रहते हो लेकिन आपका जो फल है वो जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता है, आप भी ऐसे थके हुए बैठे रहते हो। It's not that you are not going to get result। ये ऐसा नहीं कि आप वो रिजल्ट को नहीं पाओगे। But it's about your patience। लेकिन ये आपके धीरज को देखता है। Because you have quit before the morning has come। लेकिन आप त्याग देते हो वो सुबह आने से पहले। And this people also, we have fished for the whole night। Now the morning is coming, we are not going to get anything। और ये लोग भी जब रात को मछली पकड़ रहे थे तो ये लोग भी ऐसे सोच रहे थे कि रात भर हमने मछली नहीं पाया। My friends, don't quit before the morning is there। और मेरे मित्रों, आप त्यागो ना जो सुबह आने से पहले। Because in the morning, क्योंकि सुबह में Jesus is waiting on the shore, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके इंतजार में है। And he will tell you what to do। और वो आपको बताएगा कि आप क्या करोगे। And even if you have done that same thing thousand and thousand times, this time when Jesus tells you to do the same thing, it will be a different thing। अगर इसी तरह आप भी बहुत समय हजार बार ये चीज किए हो तो परमेश्वर जब आपको कहेगा तो ये भिन्न होगा। My friends, I have experienced that we keep on doing things but we see very less result। और मेरे मित्रों, मैंने भी कई बार मेरे तजुर्बे से मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत समय मुझे भी वो रिजल्ट नहीं मिला। People will doubt you। और लोग आपके ऊपर संदेह कर सकते हैं। People will doubt your vision। और आपके दर्शन के ऊपर लोग संदेह करेंगे। People will doubt your commitment। और आपके जो समर्पण है उसके ऊपर लोग संदेह करते हैं। People will doubt your hard work। और आपके कठिन परिश्रम के ऊपर लोग संदेह करते हैं। But that doesn't and will not allow you to stop। लेकिन वो कभी भी और कभी अनुमति नहीं देता कि आप खुद को रोके। Hallelujah। Today I want to encourage you।
और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। If you are doing the second part of what William Carey said, अगर आप वो दूसरे हिस्सा उस कथन के कर रहे हो जो विलियम करी ने कहा था, the first part is coming, जो पहला हिस्सा है वो आ रहा है। Expect great things from God and keep on expecting. और आप बड़े चीज का अपेक्षा करें परमेश्वर के ऊपर और उसको निरंतर आप रखें। Two things I will say. और दो चीज मैं आपको बताऊंगा। To expect great things from God and to attempt great things for God, you need first thing is to think big. और आपको जब आप परमेश्वर से कुछ अपेक्षा रखते हो या परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो इसके लिए कुछ उत्तम चीज आपको करना होगा। You have to first think big. आपको पहला चीज है आपको बड़े चीज के लिए सोचना होगा। If you can do it, अगर आप कर सकते हो, then you don't need God. तो आपको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है करने की। Your vision should be so big that it should fill you, it should make you feel that it is impossible. और आपका जो दर्शन है वो बहुत बड़ा होना चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये असंभव नहीं है। Because if your vision is achievable, you will hardly need God in that. और अगर आपका जो दर्शन है वो पाने का लायक है तो परमेश्वर की कम जरूरत है आपको। But if your vision is unachievable and is impossible for you, that is the biggest part of God which he will do. अगर आपके जो दर्शन है वो पाने लायक नहीं है और आपसे नहीं हो सकता है तो उस वक्त आप परमेश्वर के पास आए। You serve a big God. आप एक महान परमेश्वर का सेवा करते हैं और जो पूरा बड़ा बड़ा काम करता है। Start attempting big things in your life. और इसीलिए आप बड़े चीज करने का प्रयास रखें। I'm not guaranteeing you that you will not fail. I am telling you, you will fail. मैं निश्चयता नहीं देता हूँ कि आप विफल ना होंगे, आप विफल होंगे। But every time you fail, लेकिन आप हर वक्त विफल होंगे। You will see the hand of God in your life. तो आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे आपकी जिंदगी में। Hallelujah. Hallelujah. The failures, आपका जो विफलता है, will not be a negative thing for you. और ये आपके लिए एक नकारात्मक चीज नहीं है। It will become the greatest pillar of success in your life. और ये आपके लिए एक बड़ा सफलता का स्तंभ बनेगा। Second things, और दूसरे चीज, take courage. आपको साहसी बनना है। Courage is not the absence of fear. और साहस जो है वो भय का अनुपस्थित नहीं है। It is the inner eagerness to do something crazy. और ये जो हमारे अंदरूनी हिस्सा का ये आग्रह है जो आप कर सकते हो। It is that force that push you to do something big. और ये वो फोर्स है जो आपको धकेलेगा कि आप कुछ करो। And today you have that Holy Spirit in you to do that for you. और आज आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो आपको कहेगा आप कर सकते हो। If you want to do and attempt something big for God, there is the Holy Spirit inside you who will tell, go ahead. अगर आप कुछ चीज को आप करना चाहते हो, प्रयास कर रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा है जो आपको मदद करेगा कि आप वो कर सकते हो। It will be the pushing force in your life that will push you to do something big in your life. और ये वो पूरे शक्तिशाली के साथ आपको आगे धकेलेगा जिसके जरिए आप आगे जाओगे। It means you will require to face people. और इसका मतलब ये है कि आप लोगों के सामने आओगे, लोगों को सामना करना पड़ेगा आपको। You will have to face yourself. आपको खुद को सामना करना पड़ेगा, खुद को खुद के साथ। Because you have a big vision. क्योंकि आपके पास एक बड़ा दर्शन है। And big visions will come with big challenges. और जब बड़ा दर्शन है तो बड़ा चुनौती आपके सामने आएगा। Big vision will come with very uncomfortable questions in your life. और जब आपका बड़ा दर्शन है तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएगा। My friends, you will not get something big until and unless you dream something big and you do something big. और मेरे मित्रों, आप तब तक वो आपका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा जब तक आप बड़े बड़े सपनों को ना देखेंगे। Start dreaming big, my friends. और आपको आज से बड़ा सपना देखने का शुरुआत करना होगा। Big step of faith today. और वो जो बड़ा
बड़ा जो विश्वास है उसको आपको आगे लेना है। If you need to go somewhere, go today. अगर आपको कहीं जाना है तो आप आज जाएं। If you need to talk to someone, talk today. अगर आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आज बात करें। If you need to share the gospel with someone, share it today. अगर आप किसी के साथ सुसमाचार को बांटना चाहते हैं तो आज बांटें। If you need to start something, start today, my friend. अगर आप किस चीज को आज शुरू करना चाहते हो तो आज कीजिए। Take that step. आइए उस स्टेप को लें। Because when you take one step, और जब आप एक स्टेप को लेते हैं, He will take another step for you. और यीशु मसीह आपके लिए दूसरा स्टेप लेता है। हालेलुया। So my friends, don't get discouraged. और इसलिए मेरे मित्रों कभी भी निरुत्साहित ना। Because you have been fishing for the whole night, don't get discouraged. क्योंकि आपने पूरे रात मछली पकड़ने का कोशिश किया, तो आप निरुत्साहित ना हो। Because the morning will come. क्योंकि वो सुबह आएगा। When you will see Jesus. और जब आप यीशु मसीह को देखोगे। He will tell you one thing to do. और आपको वो परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा एक चीज करने के लिए। And when you do that. और जब आप उस चीज को करोगे। Your reward is waiting for you. आपका जो पुरस्कार है वो आपके इंतजार में। Hallelujah. Hallelujah. It is great that we have a God who help us grow. और ये बहुत महान है और हमारे पास जो परमेश्वर है वो हमें मदद करता है बढ़ने के लिए। It is great that we have the Holy Spirit who pushes us. और ये हमारे लिए महान चीज है कि पवित्र आत्मा है जो हमें आगे लेता है। Friends, मित्रों, expect great things from God. और परमेश्वर से बड़ा चीज का अपेक्षा रखें। Before that, लेकिन उससे पहले attempt परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा सा प्रयास। Do something crazy for God today. और परमेश्वर के लिए कुछ क्रेजी काम करें। Do something big today for God. और आज परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा चीज करें। Do something that you have never thought in your wildest dream to do. और आपके सपने में आपने कभी सोचा नहीं होगा जो चीज वो चीज आज करें। Because He will give you things that you will even not ask or think of. और वो चीज परमेश्वर आप लोगों को देगा जो चीज आपने कभी सोचा नहीं था, कभी मांगा नहीं था। Because he has that power. क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। Are you ready, my friends, to attempt something big for God? क्या आप तैयार हैं मेरे मित्रों कि आप परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा सा प्रयास करेंगे? Do it. करिए इसको। Do not delay anymore. आप डिले ना करें। Just do it. लेकिन आप इसको करें। Just do it. इसको करें। May God give you the strength that you need to do that, and you will succeed. और इसलिए परमेश्वर आपको उस सामर्थ्य दे जो चीज को आप करना चाहते हो वो चीज को कर सके। Remember, याद रखिए। The one who gives the vision, और जो आपको दर्शन देता है, will also give you the provision. और वो आपको मुहावरा भी देता है। He will provide everything you need to fulfill that vision. और उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो सारे चीजों का मुहावरा करवाएगा। Last I will request you again, take that step today. और मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि उस स्टेप को आप लें। Before expecting, start attempting. और आशा अपेक्षा रखने से पहले आप प्रयास करें। Hallelujah. Hallelujah. May God bless you through this word. और परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष दे। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you, God, for everyone who is watching us live right now. और परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं। And Lord, who will watch us in later time. और जो लोग देर में देखेंगे मेरे परमेश्वर पिता। God, every one of us has some desire in our heart to attempt something for God. और हमारे सबके हृदय में एक आशा है ताकि हम कुछ अपेक्षा को कर सके। But Lord, at this time, Lord, everyone who is dreaming something to do, provide them the energy, provide them the courage, provide them the strength that they need to attempt that thing. और परमेश्वर अभी जो लोग सपने को देख रहे हैं, कुछ पाने का सपना को देख रहे हैं, उनके सारे चीजों का मुहावरा तू करा। Lord, help them. परमेश्वर तू उनको मदद कर। Give them the strength that they need. और उनको वो सामर्थ्य दे जो वो लोग चाहते हैं। Give them the courage that they need. और वो साहस को दे जो साहस को वो लोग चाहते हैं। Lord, help them because they need your help. परमेश्वर तुझे तू उन्हें मदद कर क्योंकि वो
जो तेरे मदद की जरूरत में है। Lord, we bless each and everyone who is watching us live today. और परमेश्वर हम तमाम लोगों को आशीष देते हैं जो लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं। Lord, bless them in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तू उन्हें आशीष दे। Fulfill their heart's desire. और उनके हृदय के आशा को परमेश्वर को पूरा कर। And in this pandemic situation, Lord, keep everyone safe in the name of Jesus. और इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता हर एक जना को परमेश्वर पिता तू सुरक्षित रख। Thank you God that we can bring this word to your people. और परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके लोगों के लिए ये वचन को ला सके। Give you all the glory and honor in Jesus. और आपको पूरे तमाम जलाल और महिमा हम यीशु मसीह के नाम से देते हैं। Ask this prayer in the mighty name of your son Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। Amen. Thank you so much for watching us today. और बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें देखा। Do like it and do comment and do share it with someone who needs to be blessed. इसको आप पसंद करें, इसको इसके आप कमेंट करें और किसी और के साथ इस वीडियो को बांटें। Thank you so much for watching. और बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। God bless you and we'll see you next week. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।